अरे भाई, मेरे घर के आगे से अपनी बाइक हटा। मैं तुझसे इतनी देर से कह रहा हूँ, बाइक हटा बाइक हटा, तू हटाता क्यों नहीं है? अरे तुझसे कहते कहते मेरा गला बैठने को आया। बहरा है क्या? सुनता नहीं है? इस बाइक को मेरे घर के आगे से हटा। अरे दीपू जल्दी आ, ये मेरी सुन नहीं रहा है। जल्दी से इसकी बाइक को उठा के बाहर सड़क पे फेंक दे। अरे पिताजी, आप इसे जानते नहीं हैं, ये छोटा डॉन है। सरकार ने इस पे 1 करोड़ रुपए का इनाम रख रखा है। ये घर में चाय पिलाने के बहाने ले जाता है और लोगों को मार देता है। अरे मैं बाइक नहीं हटाता, बताओ क्या कर लोगे? और मैं अभी सामने वाले घर में ही रहता हूँ। आगे से मुझसे कहना मत कि बाइक हटा, उन्हें तो बहुत मारूंगा। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, आपका ही घर है, आपकी ही जगह है। आप जहाँ चाहें वहाँ पे बाइक खड़ी करें, जहाँ चाहें कचरा फेंकें, मुझे कोई भी एतराज नहीं है। हाँ? तो ठीक है, चलो अब मेरे घर चलो, मैं तुम्हें चाय पिलाता हूँ। नहीं, हमें घर पे बहुत काम है, अभी बर्तन मांजने हैं, रोटी बनानी है। हम चलते हैं, बाद में मिलते हैं। और दीपू क्या हो रहा है? हम तुम्हारे घर आए हैं, चाय भी नहीं पिलाओगे क्या? अरे अभी चाय बना के लाता हूँ, आप यहीं पे बैठिए। हाँ? अब मेरी बात गौर से सुनो, अगर तुमने आगे से बदतमीजी की या पुलिस को बताया कि मैं यहाँ पे रहता हूँ, तो मैं ये रामपुरी चाकू तुम्हारे पेट में घोंच दूंगा और तुम सबको मार दूंगा। और लोगों को मेरे लिए खाना बनाना है, मेरे कपड़े धोने हैं, मेरे घर की साफ सफाई करनी है। आप चिंता ना करें, आप जैसा कहोगे ऐसा ही होगा। छोटा डॉन भाई, अभी हमें कहीं जाना है, हम बाद में मिलते हैं आपसे। कहाँ जाना है आपको इतनी जल्दी में? पुलिस स्टेशन जाना है। नहीं, पुलिस स्टेशन तो हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। अरे नहीं छोटा डॉन भाई, इनको भूलने की आदत है, ये कुछ और ही सोच रहे थे, ये पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे, आप चिंता ना करें। अगर तुम दोनों ने मेरे बारे में किसी को कुछ बताया या मैंने सुना कि तुमने पुलिस को बुलाया है, तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। मुझे छोटी मोटी बात पे कत्ल करना अच्छा नहीं लगता, अगर तुमने कोई चालाकी की तो बेवजह मारे जाओगे। आप चिंता ना करें, हम तो आपको जानते ही नहीं, आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, आप छोटा डॉन हैं, हम तो आपके बारे में कुछ नहीं जानते, ना ही किसी को कुछ बताएंगे। आप चिंता ना करें, आप निश्चिंत रहें। ठीक है, अगर ऐसी ही समझदारी बातें करोगे तो जिंदा रहोगे और खुश रहोगे।